हे गाइस, क्या हाल चल गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए Realme एंड Oppo डिवाइस के लिए एक नया थीम लेके आया हूँ। तो ये जो थीम है बहुत ही अमेजिंग थीम है। अगर आप भी इस थीम को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ताकि आप जो है अपनी कोई भी Realme एंड Oppo डिवाइस पे इस थीम को अप्लाई कर सके। तो गाइस, सबसे पहले तो इस थीम का हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इसको जो है आपको अप्लाई कैसे करना है, और ऊपर जो आपको क्लॉक वाला आइकॉन देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है। तो ये जो विजेट्स है ये आपको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो विजेट्स है ये आपको थीम के साथ नहीं मिलेगा, ये अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे क्या क्या करना पड़ेगा सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो नीचे आपको लाल कलर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ आप लोग बेल का आइकन को भी और प्रेस कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो वैसे जो थीम है, अगर आप भी अपने Realme एंड Oppo डिवाइस पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका जो फीचर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका होम स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप होम स्क्रीन देख सकते हैं, ऐसा हमें लोग देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो आइकॉन वगैरह है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजिंग आइकॉन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। और बात करें अपन नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल्ली ट्रांसपेरेंट हमें नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका एंड्रॉइड फोन जो है एंड्रॉइड 11 पे चल रहा है तो आपको जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पर स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार की आइकॉन भी यहाँ पर जो है चेंज हो चुका है, स्टॉक एंड्रॉइड का यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है स्टेटस बार। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो डायलर ऐप देखने को मिलता है और मैसेज ऐप देखने को मिलता है, तो इस पर जो है कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। तो गाइस, अगर आपके पास भी मेरे तरह गूगल डायलर है तो आपको जो यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपका गूगल डायलर नहीं है तो पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम इसका जो सेटिंग है वो आपको दिखाएंगे, तो सेटिंग में जाके आपको दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग का जो आइकन वगैरह वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, बहुत ही यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है हमें सेटिंग। और अबाउट फोन पे आते हैं तो यहाँ पर जो है आपका अबाउट फोन पे नोवा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे इसको जो फाइल मैनेजर है वो चेंज हुआ कि नहीं। तो फाइल मैनेजर पे जाएंगे, फाइल मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं उतना ज्यादा तो यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है आइकन वगैरह कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है। और फोन स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पर जो फाइल का जो आइकॉन है वो यहाँ पर कस्टमाइज किया गया है। तो गाइस, ये तो हो गया छोटा मोटा फीचर्स। अभी हम आपको बताएंगे इसका जो बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है वो क्या है, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर होम स्क्रीन पे नहीं है, वो लॉक स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर हम फोन को लॉक करते हैं, तो गाइस लॉक स्क्रीन पे यहाँ पर जो है आपको अमेजिंग इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर जो है आप लॉक करके फिर से अनलॉक करते हो तो यहाँ पर जो है बहुत ही स्मूथली यहाँ पर जो है अनलॉक हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्मूथली अनलॉक हो रहा है। तो गाइस, ये जो होम स्क्रीन है, अगर यहाँ पर जो है आप मतलब ऐसे स्लाइड करते हो तो यहाँ पर जो है आपको एक नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। तो ये जो पैनल है ये आपको जो है लॉक स्क्रीन पे ही ओनली देखने को मिलता है। और भी यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पर जो है, तो इस पर अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है बारिश वाला यहाँ पर जो है इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और अगर इस पर क्लिक करोगे तो स्नो वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो आपको क्लॉक देखने को मिलता है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे लाने के बाद ये जो आपको थ्री लाइन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लॉक पे टिक है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है देखने को मिल जाता है क्लॉक वाला आइकॉन। तो आप जो भी चाहो यहाँ पर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप चाहते हो अपनी चार्जिंग एनिमेशन को चेंज करना तो आप चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको बहुत सारा चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप जो भी चाहो यहाँ पर लगा सकते हैं, और इस पर आपको टिक पे क्लिक कर देना पड़ेगा, बस वो जो है सेफ हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहते हो इसका जो वॉलपेपर है वो चेंज करना तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने के लिए आपको जो है नीचे लाना पड़ेगा नोटिफिकेशन पैनल को, और यहाँ पर जो आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। तो ये जो वॉलपेपर है आपके होम स्क्रीन पे जो भी वॉलपेपर रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप यहाँ पर एक क्लिक करके उसको जो है ला सकते हैं अपनी होम स्क्रीन का वॉलपेपर यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे। और अगर आपको यहाँ पर जो है इन डिस्प्ले जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो है उसका एनिमेशन भी चेंज देखने को मिल जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उसका जो एनिमेशन है बहुत ही यहाँ पर शानदार देखने को मिलता है। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का एनिमेशन। तो वैसे जो थीम है आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें एक थीम का फाइल देखने को मिल जाता है। तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कुछ लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब एंटी पोर्टल ऑन यूट्यूब। तो ये जो थीम है ये एंटी पोर्टल ने बनाया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी पोर्टल लिखा है एंटी पोर्टल ऑन यूट्यूब। तो ये जो एंटी पोर्टल का यूट्यूब चैनल है उसने ही इस थीम को बनाया है, तो इसका जो क्रेडिट है उन्हीं को जाता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, और फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद
ये जो है पर अप्लाई हुआ, ठीक है, ये पर हाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये जो है अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 मिनट ट्रायल का इशू। तो अगर आपको पता है कि इसको कैसे फिक्स करते हैं तो आप फिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आपको आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस इशू को फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया इसको अप्लाई कैसे करें। अभी आपको बताऊंगा कि ये जो क्लॉक आपको देखने को मिलता है इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद इधर आपको सर्च करना है एंड्रॉइड 12 क्लॉक। तो ये आपको सर्च करने के बाद ये जो ऐप आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 12 क्लॉक विजेट्स, तो ये जो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मोर फ्री थीम्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है, और आपको होम स्क्रीन पे जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसको स्लाइड करके आप जो यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा अभी 2 हो चुका है, तो आप जो यहाँ पर इस एक को जो यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे इस विजेट को अप्लाई कर सकते हैं अपनी एंड्रॉइड के मोबाइल पे। तो गाइस आई होप कि आपको जो ये थीम है बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आप लोगों को ये थीम अच्छा लगता है तो लाइक करना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।